अगर दोस्तों आपका YouTube वीडियो आपके YouTube वीडियो के सजेशन में नीचे नहीं आ रहा है और आपने कई बार देखा है अपना वीडियो चाहे दूसरे के मोबाइल पे देखा हो या आपने ट्राई खुद किया है कि आप जब भी आपका वीडियो कोई प्ले करता है तो उसके नीचे आपका ही वीडियो अगला आना चाहिए जो कि उसे हम बोलते हैं सजेशन, तो वो सजेशन वीडियो होता है तो वो नहीं आ रहा है आपका और आपको परेशान हो रहे हैं कि आप किस तरह से अपने वीडियो को सजेशन में लाएं। आप वीडियो को बहुत ही प्रॉपर तरीके से वहाँ पर अपलोड करते हैं और आप सब कुछ सेट करते हैं, चाहे आपका टाइटल हो, डिस्क्रिप्शन हो, प्लेलिस्ट हो, थम्स हो, जो भी आप सबको लगा रहे हैं, टैग्स वगैरह लगा रहे हैं, लेकिन टैग्स लगाने में आपसे क्या गलती हो रही है और आपको नहीं पता है तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा। होता क्या है, जबकि हमारा कोई एक वीडियो होता है हम जब YouTube पर अपलोड करते हैं तो उस वीडियो को हम चाहते हैं कि उस वीडियो के बाद हमारा ही वीडियो आए, जैसे कि हम इंडस्क्रीन में लगाते हैं या आई कार्ड में यूज करते हैं, तो इस तरह से ही हमारा वीडियो जब को लास्ट हो जाता है उसके बाद जो हमारा वीडियो देख रहा है उसके लिए अगला वीडियो हमारा ही आए। इस तरह से आपका वीडियो नहीं आ रहा है तो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसे कैसे सेट करें और उसके लिए क्या है, मैं आपको सब डिटेल से बताऊंगा और आपका 100% आएगा। जैसे आपको मैं डिस्प्ले पे दिख रहा होगा वहाँ पर आपको लिस्ट दिखाई रहा होगा, नीचे मेरे सजेशन में आपको वीडियो दिखाई दे रहा है, तो इसी तरह से आप अपने वीडियो को भी ला सकते हैं। कोई भी मैं 100% आपको करके दिखाऊंगा आप किस तरह से ला सकते हैं। लेकिन अगर आपने यूट्यूब चैनल पर अपने बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं और वहाँ भी आपके वीडियो सजेशन में नहीं आ रहे तो यहाँ भी आपने टैग्स लगाने में ही गलती की है। टैग्स होता क्या है, अगर आपको नहीं पता है तो आई कार्ड में मेरा लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जान सकते हैं टैग्स क्या होता है, किस तरह से लगाते हैं। तो जहाँ पर आपको टैग्स लगाने में गलती हो रही है और आपको टैग्स लगाने कैसे हैं, तो जैसे कि मैं आपको बता दूंगा, अगर आप वीडियो अपलोड करते हैं तो उस समय आपको सब कुछ सेट करना होता है, क्योंकि अगर उस समय आप सब सेट कर देते हैं तो ठीक है, बना बार बार वीडियो को अलग अलग करके कभी चेंज कर रहे हैं, चाहे बाद में आप टैग्स लगा रहे हैं या इंडी स्क्रीन पर आप वीडियो अपने लगा रहे हैं, तो इस तरह से बाद में सेटअप करने में काफ़ी कंफ्यूजन होता है। आप जब फर्स्ट टाइम ही ये चीज़ें सारी क्लियर कर लेते हैं, चाहे टाइटल हो, डिस्क्रिप्शन हो, चाहे आपका थम्स हो, प्लेलिस्ट हो, इस तरह से आप टैग्स वगैरह जो है एक साथ क्लियर कर लिया करें। अब टैग्स आपको मिलेंगे कहाँ से, आपको नहीं पता है और आप टैग्स होता क्या है ये भी नहीं पता है, तो जैसे मैंने आपको बताया आपको आई कार्ड में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। लेकिन टैग्स होता क्या है, टैग्स वो चीज़ होते हैं जिसके जरिए आपका जो वीडियो बनाया है, आपका जो अपना वीडियो है तो उसको भी जो आप टाइटल दे रहे हैं उस टाइटल को कॉपी करके टैग में पेस्ट जरूर कर दीजिए करें, क्योंकि जब टैग्स रन होते हैं तो टैग्स के ही जरिए आपका वीडियो सजेशन में आता है, लेकिन आपका टैग्स ही नहीं लगा हुआ होगा। साथ ही जब आपका वीडियो रन हो रहा है और वहाँ पर आपका वीडियो सजेशन में नहीं आ रहा, तो इसके लिए जो आपके यूट्यूब का चैनल है जिस नाम से आपने बना रखा है, तो जिस नाम से आपका चैनल है तो उस चैनल का नाम आपको टैग्स में जरूर लगाना है, तो उसको लिख देना है आपको। जब आप पूरा टैग्स वगैरह लगा देंगे तो लास्ट में आप अपने चैनल का नाम भी लिखिए, और आप जब तक नहीं लिखेंगे तब तक आपका जो वीडियो है सजेशन में नहीं आए, ये मैं आपको 100% सही बता रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद ही आपका वीडियो जो है सजेशन में आने लग जाएगा अगर आप अपना जो चैनल का नाम है उसको डालेंगे। और टैग्स हमेशा प्रॉपर लगाइए, टैग्स कभी ऐसे में लगाइए कभी आपने कोई सा टैग्स उठा दिया, टैग्स जिस रिलेटिव आप वीडियो बना रहे हैं, जिसके रिलेटिव आप वीडियो बना रहे हैं उससे ही संबंधित आपके टैग्स होने चाहिए, चाहे आप टेक्निकल वीडियो बना रहे हैं या किचन से या एंटरटेनमेंट या स्पोर्ट्स से, तो आप जिससे रिलेटिव वीडियो बना रहे हैं उससे रिलेटिव आपके वीडियो पर टैग्स होने चाहिए। अब आपका चैनल जिससे भी रिलेटिव हो, चाहे आपका टेक्निकल का चैनल तो आप उस पर टेक्निकल के ही वीडियो डालिए, ये नहीं कभी आपने किसी भी इंटरटेनमेंट के डाले, कभी कॉमेडी डाले, तो इस तरह से नहीं। अगर आप टेक्निकल बना रहे हैं वीडियोस तो उसको हमेशा वैसे ही अपलोड कीजिए और तभी आपके वीडियो सजेशन में आएंगे। साथ ही आपको टैग्स का जरूर ध्यान देना है, जैसे कि मैंने बताया आपको टैग्स कैसे लगाने और आपको सर्च कैसे करने आपको नहीं पता है, तो इसके लिए मेरा वीडियो आपको बहुत जल्दी एक नया मिल जाएगा जिसमें आप बहुत ही सिंपल तरीके से किसी भी वीडियो के लिए एक साथ में कई सारे टैग्स सर्च कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो जैसे कि आप क्रोम ब्राउज़र यूज करते हैं या मोज़िला यूज करते हैं, अगर कंप्यूटर पे करते हैं यूज, तो आपको वहाँ पर ट्यूबडी नाम का एक एप्लीकेशन जो मिल जाएगा आपको अपने स्टोर पर, वहाँ से भी आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर आपको सजेशन में मिल जाते हैं। लेकिन आप सिंपली तौर पर चाहते हैं कि आप अपने वीडियो के लिए बहुत ही आसान तरीके से टैग्स को सर्च कर सकें, तो इसके लिए भी मेरा वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगा और बहुत सर्च कर पाएंगे। लेकिन आप मैनुअल सर्च करना चाहते हैं तो आपको यूट्यूब पर जो वीडियो ज़्यादा रन हो रहा है तो उन चीज़ों पर आपको ध्यान देना चाहिए और आपको उससे रिलेटिव ही वीडियो बनानी चाहिए और टैग्स को उनके नज़र में ही ध्यान रखें, उन्हीं को आपको जो उन पर टैग्स लगे हैं उन टैग्स को भी आप लगा सकते हैं, लगाना आपको जरूर है। तो आप अपने टैग्स में चैनल का नाम नहीं लगाएंगे तब तक आपका वीडियो सजेशन में नहीं आएगा। फ्रेंड ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, जय हिंद।